आप सबका फिर से एक बार स्वागत है जेनिथ ट्यूटोरियल्स में। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बरशही जलत, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। इसकी दूसरी चौपाई यानी दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। यह चौपाई एसएससी बोर्ड की कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से ली गई है। इस वीडियो में हर एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैं एक एक लाइन लेके आपको चौपाई अच्छे से समझाऊंगी, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित कर सके। तो आइए शुरू करते हैं दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। तो यह चौपाई में कुल 10 लाइनें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पूरी चौपाई लिख रखी है। अब हम एक एक लाइन लेंगे और उसका अर्थ समझते जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं पहली पंक्ति। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। यहाँ दादुर का अर्थ है मेंढक, धुनी यानी ध्वनि या आवाज, चहु दिशा यानी चारों दिशाओं में, सुहाई सुहावनी लगती है, वेद यानी वेद जो कि आदि धर्म ग्रंथ है, पढ़ी यानी पढ़ रहे हैं, जनु जैसे, बटु यानी विद्यार्थी स्टूडेंट्स, समुदाय समूह। तो इस पंक्ति का अर्थ है चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद यानी धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो। तो अब दूसरी पंक्ति है, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। यहाँ नव का अर्थ है नए, पल्लव यानी पत्ते, भय यानी आ गए हैं, बिटप वृक्ष या पेड़, अनेका बहुत सारे। साधक का अर्थ है तपस्वी या साधना करने वाला, जस यानी जैसे, मिले मिलने पर, और विवेका मतलब विवेक या ज्ञान। तो अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। तो आइए इन दो प्रथम पंक्तियों को हम फिर से एक साथ पढ़ लेते हैं और उनका एक साथ भावार्थ समझ लेते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त करने पर हो जाता है। आइए अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। यहाँ अर्क का अर्थ है मदार। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मदार के पौधे का फोटोग्राफ दे रखा है। जवास यानी जवासा, यहाँ देख लीजिए जवासा का भी चित्र मैंने दे दिया है ताकि आपको अच्छे से अर्क और जवास का मतलब पता चल सके। पात यानी पत्ते, बिनु यानी बिना, भयउ यानी हो गए, जस जैसे, सुराज अच्छा राज्य, खल दुष्ट, उद्यम उद्यम वह कार्य जो कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए किया जाए यानी कोई भी मस्ती, गयउ गया। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए यानी उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा मतलब खत्म होता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। तो अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ, अर्थात मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके सब पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम खत्म हो गया। खोजत कथु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म मही दूरी। खोजत का अर्थ है खोजने पर, कतहु यानी कहीं भी, मिलई मिलती, धूरी यानी धूल, करई करना, क्रोध गुस्सा। तो करई क्रोध का अर्थ है गुस्सा करना। जिमी जैसे, धर्म ही धर्म को दूरी दूर कर देता है। तो धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे गुस्सा करने से धर्म दूर हो जाता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। इसीलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्सा धर्म को दूर कर देता है और धार्मिक लोग गुस्सा नहीं करते। तो चलिए एक बार फिर से इन दोनों पंक्तियों को रिवाइज कर लेते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयउ,
जसु राजखल उद्यम गयउ, खोजत कथु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, यानी उनके पत्ते जड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज में दुष्टियों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। तो धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। तो अब चलते हैं अपने अगली पंक्ति की ओर। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। यहाँ ससी का अर्थ है अन्न, संपन्न मतलब परिपूर्ण भरी हुई, सोह शोभित, उपकारी उपकार करने वाला, संपत्ति धन दौलत या जायदाद। तो अन्न से युक्त यानी लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति, यानी उपकार करने वाले व्यक्ति के घर हमेशा संपत्ति बनी रहती है, उपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा संपन्न रहता है। निसितम गन खद्योत बिराजा, जनु दम्भेह कर मिला समाचा। निसि का अर्थ है रात, तम का अर्थ है अंधेरा या अंधकार, घन यानी बादल, खद्योत यानी जुगनू, बिराजा मतलब विराज्यमान या बैठे हैं, जनु जैसे, दम्भिन्ह जिसे दम्भ या अहंकार हो, समाजा यानी समाज। तो रात के घने अंधकार में बादलों में जुगनू विराज रहे हैं, मतलब दे आर प्रेजेंट देयर। ऐसा लग रहा है जैसे दम्भियों का समाज आ जुटा हो और वह खुद की तारीफ करके चमक रहे हैं। तो आइए पिछली दो लाइनों को हम फिर से पढ़ लेते हैं। ससी संपन्न मोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निसितम गन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाचा। अन्न से युक्त यानी लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। तो उपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा संपन्न रहता है। और रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजी मोह मद माना। कृषि यानी खेती, निरावही निरा रहे हैं यानी उसमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, चतुर चालाक, किसाना किसान, जिमी जैसे, बुद्ध विद्वान लोग, तजही त्याग कर देना, मोह प्यार या चाव, मद मदिरा या नशा, माना अभिमान। तो चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह यानी प्यार, मद यानी नशा और मान यानी अभिमान का त्याग कर देते हैं। उसी तरह से चतुर किसान भी खेतों में से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, उनका त्याग कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली पंक्ति की ओर। देखिए चक्रबाग खगनाही, कलि ही पाई जिमी धर्म पराही। देखियत का अर्थ है दिखाई देना। चक्रबाग यह एक तरह का बर्ड है, स्काईलार्क बोलते हैं इसे इंग्लिश में। यहाँ मैंने इसकी तस्वीर दे रखी है ताकि आपको पता चल जाए कि चक्रबाग क्या होता है। खग यानी पक्षी, कलही कलयुग, पाई पाकर, जिमी जैसे, पराही यानी पराय हो जाना या भाग जाना। तो चक्रवाग पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं यानी वो लुप्त हो गए हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। तो कलयुग में धर्म नहीं रहता, उसी तरह चक्रवाग पक्षी भी लुप्त हो गए हैं और कलयुग से भी धर्म लुप्त हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। जिस तरह से चक्रवाग पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो गायब हो गए हैं, उसी तरह कलयुग में भी धर्म भाग गया है, गायब हो गया है। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। यहाँ विविध यानी विविध यानी अनेक तरह के, जंतु यानी जीव, संकुल भरी हुई, ब्राजा शोभायमान है, प्रजा नागरिक या सिटीजन्स, जिमी जैसे, पाई पाकर, सुराजा मतलब सुराज्य यानी अच्छा राज्य। तो पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा
उस राज्य की ओर बड़ी संख्या में खिंचे चले आते हैं, इसीलिए इसे प्रजा बाढ़ कहा गया है। तो जो राज्य अच्छा है वहाँ प्रजा उसकी ओर खिंचे चले आते हैं, यानी प्रजा की बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे लोग उस राज्य में सेटल होना चाहते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ, पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जिस तरह से कौन शोभायमान है, एक सुराज्य जिसमें लोगों की बाढ़ आ गई है, प्रजा की बाढ़ है। किसे पाकर प्रजा की बाढ़ आ गई है? सुराज्य। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ जह तह का अर्थ है जहां तहा रहे, यानी ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। पथिक राही, थकी थक कर, नाना अनेक, जिमी जैसे, इंद्रिय यानी इंद्रिया या अपनी सेंसेस जिसे हम पांच इंद्रिया बोलते हैं, फाइव सेंसेस, उपजे उत्पन्न होने पर या पैदा होने पर, ज्ञाना अर्थात ज्ञान या नॉलेज। तो जहां तहां अनेक पथिक यानी राही थक्कड़ पड़े हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां थक जाती है और शिथिल हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों ने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब वो थक गई है, इसीलिए वो रेस्ट कर रही है, वो शिथिल हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको हर एक पंक्ति का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आ गया है और अब आप इसे बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। धन्यवाद।